सतनाम शिवाय गुरु साहिब। बाबा जी का यह स्थान जरा नाम पा रखना है गुरु चरण कमल, क्योंकि इतने बाबा जी ने चरण कमल पाए, इनका नाम चरण कमल रखना है। और लोगों को सुभा होता है, आदत होती है कि जन्म स्थान का है महापुरुषों के चरण कमलों का स्थान है, जिथे उन्होंने मुबारक चरण पा के इस नगरी नू इलाके नू इतों फिर मंदिर गए। उत्थे फिर पंज प्यारे बाबा जी दे उन्होंने अमृत छकाया। बाबा गेजा सिंह सी, बाबा जोगिंदर सिंह पुराने सी, सारे महापुरुष 350 ने करीब अमृत छकिया। पहली बारी बाबा जी ने इस इलाके च प्रचार करके अमृत छका के ये पाहौल दी। अमृत छकना सी प्रोग्राम, एक साडा भरा दविंदर मेरे तो तीजी थान ते वड्डा है, वह कंध चो छाल मार के भज गया सी ना अमृत छकन वेले, कहता मैं नहीं छकना। वह कंध तो छाल मार के भज गया भी मैं अमृत नहीं छकना, फिर पता नहीं शायद छक लिया सी। सारे ने भी आप तो सारे ही छकीए ना सारा घर, बाबा जी इतने अमृत छका रहे ने। ते ज्ञानी कश्मीरा सुन भेज के बाबा जी ने प्रचार कराया। माता विपन प्रीत कौर जी लुधियाने तो दर्शन दिते ने, ये सारिया के साडे माता जी ने। ते मैनू माता जी याद आ रहे सी, इन्हां वल वेख के इन्हां वर्गे सी साडे माता जी भी, ते ये भी हुण साडे सारिया के माता जी ने जथे नूं लैके अज इन्होंने दर्शन दिते संगत विच जी आया नूं। है तो काली सी इन्हों, फिर मैं क्या भी घर आप जाना उ अमृत वेल का प्रोग्राम उ रखा। धन बाबा कुंदन सिंह जी फिर जो दूजी वारी आए इतने, बाबा जी कहते तेरे पिंड जाना प्रोग्राम अंदर ठाड़ता। मैं कह सारे इतने आ, कहते बापू तेरा वो भी उत्थी सी, कहते बाबा जी फिर आ गए इतने व्हील चेयर ते बैठे सी बाबा जी, ते बापू जी साडे सामने बैठे सी, शायद बाबा जी उन्होंने विदा करन आए सी। जो बाबा जी आए प्रोग्राम सी, ते बापू जी साडिया ने बाबा जी नू नमस्कार कीती। बाबा जी भी बैठे सी कुर्सी ते, इधर साडे बापू जी बैठे सी, ते मैनू बड़ा वधिया समा मिलिया उस समय। फिर मैं अपने बापू जी के चरणों से मत्था टेकिया, तो बाबा जी ने मैं कहा जी ये मेरे दुनियावी बाप ने, तुसी मेरे दरगाही बाप जी। दोनों पासे चरणा टेक के मत्था टेक के बाबा जी बख्शिश उदो दयाल ही सन, दयालता च रेंदे सी, बहुत ही दयाल सी उस समय। बापू जी साडे कहिंदे बाबा जी बंधन कट दे। उन्होंने बाबा जी ने पूछा किवें ठीक है कि कहिंदे जी बंधन कट दिओ। 13 दिन बाद पूरे फिर उन्होंने शरीर छड़ता। बाबा जी मैनू कहिंदे खंड पाठ भी असी रखाउणे आ, सारा काम इत्थों ही करना है। ये बाबा जी ने बड़ी देर दा रखिया होया सी चित विच। बाबा जी दे माता जी दा भोग सी लुधियाने, तो बाबा जी के भरा भी सी सारे सी। मैनू बड़ा चा सी, मैं फिर भरावां नू बाबा जी के जिन्ने भरा सी सारे नू कहा भी सेवा अरदास ही करेगा, सारे खंड पाठां दी सारे लंगरां दी। भरा बड़े हैरान सारे, जदों सारिया ने पाठ दे भोग पाए, माता जी का दशहरा उत्थे कीता सी, भोग पाया सी स्कूल च लुधियाने रही, उत्थे रहिंदे सन, उत्थे बच्चे रहिंदे सी।
ते सारा जदो भोग पा के सारा काम होया फतेह सारे भरा बाबा जी कोल गए। बाबा जी ने उन्हें दसिया जी सारी सेवा यही लै गया माता जी भोग दी पाठां दी सानू कोई भी नहीं करन दित्ती सारी सेवा यही लै गया। बाबा जी फिर दयाल होके ना इंज देखण लग पे चारे पासे मास्टर जी नूं कहिंदे स्टोर भी खोल दे कहिंदे वधिया तो वधिया लोई वधिया तो वधिया चोला जिहड़ा सारे बस्त्र मंगा के कहिंदे चोला पा लोई लै उपर आ जराबां पा सारे बस्त्र देखे। बाबा जी ने बहुत ही उस समय बाबा जी ने खुशी दित्ती ते बाबा जी मैनूं कहिंदे भी तेरे तेरे पिता का की हाल है एडे बाबा जी रखते सी चेच ते मैनू भी खड़क गया कि बाबा जी हुण ये विचार रहे ने कि जिवें ने साड़ी माता जी ते जो सेवा कीती है ना उवें असी करनी इंदे बाप ने। मैं कह जे तो मेरी दादी भी एक 102 साल दे हो गए सी मैं कह जे तो दादी भी हैगी है। इशारा बाबा जी ने देता फिर बाबा जी ने इत्थे जदों पिता जी दे अंत ते बाबा कुंदन सिंह जी महाराज ने सारे महापुरशां नूं भेजिया बाबा भजन सिंह जी नूं जिन्ने भी हैगे सी जिहड़े जिहड़े बाबा जगिंदर साहिब जी सी संत भजन सिंह जी छोटे सी वड्डे सी भी तुसीं इशनान कराउणा फिर इन्हां सारिआं नूं मैं कहता भरावां नूं भी तुसीं सेवा की इन्हों की ज्योद्या हूँ सारे महापुरश ही इनान करवा सारे महापुरखा ने इनान कराया तो अंतम संस्कार होया। बाबा जी कहते दशहरा कदों मैं दसिया केंद्र 13 पाठा के पाठी इतों भेजा गए अस फिर 13 पाठा के बाबा जी ने पाठी भेजे इतने मंदरा नानकसर अठाड़ समागम होया तो स्कूल के वड्डा प्रोग्राम किया वड्डा प्रोग्राम करके बाबा जी पहली बारी किसी अंतम भोग ते गए आ अपने माता जी दे भी नहीं गए सी किसी इस तरह प्रोग्रामा ते नहीं गए सी। बाबा जी पहली बारी इत्थे भोग ते आए अंतम भोग ते बाबा जी दवान च ही बैठे रहे बिहंगम सारे नाल ते दास ने उदो फिर सारिआं नूं संगतां नूं कहा सी मैं कहा भी ये सुनिया है कि अंतम समय बिबान लैण वास्ते आउंदा है कोई कहिंदा गुरु नानक साहब आए बाबा आनंद सिंह जी आए किसे देखिया किसे नहीं देखिया। मैं क्या हुण सारे देख लो बाबा कुंदन सिंह जी संतां महापुरशां दीआं मंडलियां समेत आए ने बिबान लैण वास्ते आखो सी ये महापुरश कहिंदे ने सच्चे सज्जन सच्चे यार होंदे ते महापुरखी होंदे जिहड़े नभाउंदे आ दुनिया निभदी नहीं टूण सज्जन संत पक्कियां ओ जवंदे विछड़े ओ मोहिआ ना जाई छोड़ दुनिया जींदिआं नूं कर दिंदी पासे जा निकल जा करो जा मैं नहीं कोई कर सकदा दुनिया जिउंदिआं नूं छड़ दिंदी है महापुरश मरिया तो भी नहीं छड़दे आखो मर के किथे भी चला जाए उथों लै आउंदे आपदे सेवक अगले जन्म सब थावां ते नभाउंदे आ ते हुण नानक सर कलेरां प्रोग्राम उत्थे सेवा चल रही सारी जिथे रोज कीर्तन हुंदा सी उह सारे हाल दे विच सुनना लग रहा है ते वो शील्डां बन रही लगन वाली जल्दी तो जल्दी वो सेवा आनी सारे ते सारे जिथे खंड पाठ बरसी वाले रखे जाते हैं उत्थे सारिया चाननिया बननिया फिर इस करके असी प्रोग्राम उतों का कैंसल करता हजूर साहब का रात पाठी सिंह आए मां संपड़ पए दो थावां ते भोग पए मां संपड़ पाठां दे मंठे भी औरंगाबाद भी पाठी सिंह बाहर आए थे फिर असी नहीं जा सके
हजूर साहब आंडे भी पाठा के भोग पे वो फिर रह गया। संगतां भी हजूर साहब तो आई हैं हुण सब नूं लंगर प्रसाद पानी की सेवा होएगी जी आया नूं। इस नगरी च तुसीं चरण पाए सारी साध संगत ने, यह सारा तो छोटा पिंड होना मेरे खा सारे हिंदुस्तान का हो सकता नहीं तो पंजाब का तो होएगा ही ना, जिंदा नाम मुहारे पर घर तीन चार ही ने इन्ने कोई रहे मुड़ तो लैके उदो एक घर साढ़े दादे का सी एक जो मैं सी इत एक ज्वाला सिंह का सी राजपूत सन इतने परिवार उन्होंने रेंदे अजे भी बच्चे। दूजा कारीगर सी असाई बने हुए सी उन्होंने घर से माल डंगर पशु चकते सी। तीजा घर उन्होंने बस यही तीन चार घर से एक मजहबी सिख सी उन्होंने घर बच्चा नहीं होया सी। माई ते वो साढ़े घर दे नाल ही संबंधित सी, सारे जवाकों वो संभालते सी, मेरा पालन पोषण ज़्यादा उन्हें ही किया सी, वो ही चकते संभालते सी। मैनू याद है उन्दा छोटे होंदे दा उन्होंने पालन पोषण किया सी। फिर वो जदों 68 बनिया मैं क्या भी पता करो मजहबी सिख कित्थे आ, उन्हें अंग बनिया आया सी। मैं कह और छोटा मैं छोटा सी मैं चकदा संभालता सी हूँ उन्होंने मंदरा ले आओ फिर इत ही रहा हूँ। मैं क्या शरीर छड गया गुरबचन उनका नाम सी। इस तरह भाई ये तीन कु तीन चार घर का घर का पिंड गां फिर उन्होंने परिवार बन गए जिमें जिमें बन गए गां की गां निकली जाते ने रिंदा उन्ना कोई उदो किसी ने कहा भी सी भी संतां ने महापुरशां ने किसी ने वचन किया सी भी इन्ना कोई रहेगा पिंड। चाचे साडे नूं ज़्यादा पता हुंदा सी जगिंदर सिंह वो कई वचन सुनाउंदा हुंदा सी सानूं, होर भी कई उन्होंने वचन सुनाए सी। एक अमर सिंह चाचा सी वो भी पुराने ये सारे सन पाकिस्तान तो आए हुए हुण समय समय नाल जिहड़ा है इस पिंड तो मैं भी बलहार जाना जिथे जन्म लैके मैनू तुहाडे वर्गियां संगतां ते गुरु ग्रंथ साहिब वर्गे गुरु ते बाबा कुंदन सिंह बाबा खेम सिंह जी वर्गे महापुरश बाबा सुंदर दास जी इस पिंड च जदों आए सी ना ते ये चाचा जगिंदर ते मैं छोटा जिहा सी भज के उन्हां नूं मिले अगे। ये रस्ता एक डंडी जी हुंदी सी छप्पड़ दे नाल नाल उत्थे हुण पार्क बनाया ते मैनूं पुछदे सी पार्क दा नां की रखीए। मैं कहा इत्थे पहली वारी बाबा सुंदर दास जी दे दर्शन होए सी अपने पिंड आए सी ते इहदा नां आपां बापू जी साडे दादा जी उन्हां नाल प्रेम रखदे सी ते इहदा नां आपां सुंदर पार्क ही रखांगे उन्हां दे नां ते महापुरशां दे जिन्हां दा जीवन च साथ मिलिया होवे। अज इत्थे हुण आपां बैठे आ ना इत्थे जी करके कमरा सी ते समय नाल साडे घर च शराब भी कढ़दे हुंदे सी ते शराब दा ड्रम भी कई वारी इत्थे पाया हुंदा सी पर मैनूं इत्थे मेरे दादा जी ने बापू लाभ सिंह ने उन्होंने मैनू जपजी साहब के पाठ की संथ्या दी सी इत्थे इस थां ते इत्थे ही कोठे दे उत्ते लालटन जगा के ना जन्म साखी शाम नू जन्म साखी पढ़ते होंदे सी। इत्थे ही कोठे दे मैं गीत गाउंदा हुंदा सी नवे नवे इन्हां नू पता सारिआं नू ओ वक्खरी सी पता नहीं जिहड़े जदों उदों गाई दे सी। एक गाँवदा हुंदा सी जित गई है वोटी है ते सुखी बह गया बाजी हार के एक एक हुंदा सी
मंजी उत्ते रोटी, मंजी उत्ते बोटी बोटी, मंजी मैं सारा कुछ करी जाना, मेरा सब कुछ मंजी दे उत्ते गीत बनाई जाना। ते वो मैनू भी याद है, ते वो समय छोटी उम्र च कई रिश्तेदार जां कोई सुन भी लेंदे, वो सुना मंजी उत्ते बोटी आला सब कुछ मंजी ते। ते वो बाबा जी ने कृपा कर दी, हुण पक्कियां पकाईयां होंदी है मंजी, मंजी ते ही सारा कुछ। ते बाबा जी दे इत्थे गीत गूत लगदे होंदे सी, ते एक मेरा बड़ा मशहूर गाना सी, ओह फिर मैनू बघेल सिंह सी मलुबाणिया दा स्पीकर लगा, उन्हें मैनू कहना भी वह गाना सुना, फिर मैं सुनाना करना स्पीकर च बोलना करना, गढ़वाले दे चांदी दा हो लक हिले मजाजन जांदी, जे मुंडे आ तू साड़ी तोर है वेखनी, जे मुंडे आ तू साड़ी तोर है वेखनी, गढ़वाले दे चांदी दा हो लक हिले मजाजन। फिर ये गीत मेरा बड़ा प्रॉमिस की कह दे हम सा फिर लक हिलदा मजाजन जाती चांदी का गड़वा मिल गया है सानू, गां जो कमाइया करांगे वेखी जाएगी, ते जो कोई बरकत कमाई जो कोई हाथ में आ जाए, इस करके चांदी का गड़वा मिल गया, हुण फिर मजाजन जांदी दा लक हिलदा है, जे मुंडिया तो साड़ी तोर है वेखनी। चलो हुण बाकी फिर आपां किते करांगे, ए बचपन दे छोटे होंदियां दे गीत है। कई तां कहिंदे होणगे बाबा बाबे फिर साड़ी पा दिंदे आ उत जी नैट दे उत्ते, बाबा गाने गा रहा है, पर इन्हां चीज़ां की परवाह नहीं होंदी, ये जिन्ना मर्जी कोई कर लवे, ये तो अपने प्यार दे बोल ने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी धन गुरु नानक सतनाम जी वाहे गुरु साहिब।